हेलो दोस्तों, मैं हूं करण श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे दुनिया से जुड़े, इंसान से जुड़े ऐसे तथ्यों के बारे में जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं यार, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 20, हमारे शरीर के दाएं भाग को दिमाग का बायां भाग और बाएं भाग को दिमाग का दायां भाग कंट्रोल करता है। मतलब कि ये तो हम जानते हैं कि माइंड जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है, पहला राइट और दूसरा लेफ्ट। तो ये समझिए कि हमारा लेफ्ट माइंड जो है वो राइट बॉडी को कंट्रोल करता है और राइट जो माइंड है वो लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है, मतलब एकदम क्रॉस तरीके से। फैक्ट नंबर 19, क्या आप जानते हैं कि दिमाग कोई भी दर्द महसूस नहीं कर सकता है? क्यों? क्योंकि दिमाग में कोई दर्द की नसें नहीं होती हैं। फैक्ट नंबर 17, एक वैज्ञानिक शोध के अनुसार ये माना जाता है कि यदि बहुत अधिक समय तक आप भूखे रहते हैं तो हमारा दिमाग खुद को खाना स्टार्ट कर देता है। फैक्ट नंबर 16, एक अध्ययन से पता चला है कि ज्यादा देर तक मोबाइल फोन देखने से दिमाग में ट्यूमर होने का खतरा बढ़ जाता है। फैक्ट नंबर 15, किसी भी वस्तु को हम अपनी आंखों से नहीं बल्कि हम अपने दिमाग की मदद से देख पाते हैं। आंखें सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने का काम करती है और हमारे दिमाग तक पहुंचाती है, उसके बाद सारा प्रोसेस माइंड पे डिपेंड करता है। फैक्ट नंबर 14, क्या आप जानते हैं कि 1 पाउंड शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों को लगभग 2 मिलियन से अधिक फूलों का दौड़ा करना पड़ता है? मतलब 1 पाउंड शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों को 2 मिलियन फूलों तक जाना पड़ता है, वहां से इकट्ठा करना पड़ता है, मतलब बहुत लंबा प्रोसेस है। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता था कि स्टार जो फिश है उसके पास दिमाग नहीं होता है, वो बिना दिमाग के होती है। फैक्ट नंबर 12, एक छींक मुंह से, जो हम लोग छींकते हैं वो मुंह से 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से निकलती है, इसलिए उसे रोकना नहीं चाहिए। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता था कि चींटियों को नींद नहीं आती है, मतलब चींटियां कभी सोती ही नहीं है। फैक्ट नंबर 10, पूरे अंटार्कटिक महासागर की तुलना में सिर्फ ब्राजील की अमेजॉन नदी में ही बहुत प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि एक पेड़ हर साल हवा से 27 किलोग्राम प्रदूषण को फिल्टर कर सकता है? मतलब एक पेड़ 27 किलोग्राम प्रदूषण को फिल्टर करता है। फैक्ट नंबर 8, एक अनुमान के मुताबिक एक खेल के दौरान फुटबॉल खिलाड़ी लगभग 10 किलोमीटर बराबर दौड़ते हैं, मतलब कि खेल स्टार्ट होने से और खत्म होने के बीच में 10 किलोमीटर तक दौड़ देते हैं वो लोग, फुटबॉल के खिलाड़ी। फैक्ट नंबर 7, दुनिया में 100 मिलियन से अधिक लोग शिकार करने का लाइसेंस रखते हैं। ये तो हमें पता नहीं था कि इतने लोग लाइसेंस रखते हैं केवल शिकार करने के लिए। फैक्ट नंबर 6, सोना दुनिया का सबसे अधिक तन्य धातु है, जो कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम शुद्ध सोना लगभग 2 किलोमीटर लंबे बारीक तार के रूप में बदला जा सकता है। मतलब अगर आपके पास 1 ग्राम शुद्ध सोना है तो उसे अगर तार की जो रेशियो होती है ना, जितना पतला होता है, अगर उतना पतला हम उसकी लंबाई अगर करें तो 2 किलोमीटर तक वो फैल सकती है। फैक्ट नंबर 5, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 50% ह्यूमन डीएनए बिल्कुल सेम होता है बनाना के डीएनए से, मतलब बनाना का और ह्यूमन का डीएनए लगभग 50% तक सेम होता है। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि लेडी गागा एक अमेरिकी गायिकी है, मतलब सिंगर है अमेरिका की, उनको भूतों से बहुत ज्यादा डर लगता था, तो उन्होंने क्या किया, 2010 में उन्होंने $15,000 में एक भूत पहचानने वाली मशीन को खरीद लिया था। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि भारत की शादियों में तो बिन बुलाए मेहमान बहुत अधिक आ जाते हैं, जिसको ना बुलाओ वो भी आ जाता है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जापान में मेहमानों को खरीदा जाता है इस काम के लिए, उन्हें पैसे भी मिलते हैं और खाना भी मिलता है। मतलब वहाँ के शादियों में लोगों को बारात में बुलाने के लिए पैसे दिए जाते हैं, पूरा खाना वाना भी दिया जाता है कि वो लोग बारात में आए, वहाँ का ये सिस्टम है। फैक्ट नंबर 2, ब्लैक डायमंड सेब केवल तिब्बत में ही पाया जाता है। इसकी खासियत यह है कि यह शहद से भी मीठा होता है, जो ब्लैक डायमंड सेब है वो बहुत ज्यादा मीठा होता है, जो कि केवल तिब्बत में ही पाया जाता है। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि फिल्म अभिनेता ब्रूस ली असल जिंदगी में इतने तेज थे कि उनको कैमरा भी नहीं पकड़ पाता था, उनको साफ साफ देखने के लिए वीडियो को स्लो मोशन में देखनी पड़ती थी। मतलब उनके बॉडी का मूवमेंट इतना तेजी से होता था ना कि कैमरे में कैद तो होता था लेकिन उसे समझने के लिए वीडियो को स्लो करना पड़ता था ताकि हर मूवमेंट को हम बारीकी से देख पाए। तो ये थी ब्रूस ली की खासियत। खैर, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी कर देना।